गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। गवर्नमेंट जॉब लैटर का स्वागत है। दोस्तों आज यूपी TSSC में जो अहम मीटिंग होने वाली है, आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने डाल दिया है। मैंने कल बताया था कि आपको कल अपडेट होगा, तो मैं उस हिसाब से क्लियर करूँगा, तो अपडेट हो चुकी है। दोस्तों आज दोपहर बाद UP TSSC में मीटिंग होने वाली है, जो रिजल्ट को लेकर स्पेशली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, रिजल्ट को लेकर आज मीटिंग होने वाली है। रिजल्ट पे मीटिंग हो रही है, क्या रिजल्ट मीटिंग हो रही है, आपको डाटा सभी बता दिया जाएगा। और दोपहर के बाद हो सका तो मैं आपको शाम की वीडियो में सभी अपडेट दे दूंगा कि किस मीटिंग में किस किस टॉपिक पे बात हुई है, कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है, कुछ रिजल्ट पेंडिंग फंसे तो उसका क्या हुआ है। तो चले दोस्तों, बिना लेट के न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ में देखते हैं क्या है और क्या क्या होने वाला है, मतलब दोपहर के मीटिंग में। तो सबसे दोस्तों आपको बता दें कि मीटिंग में जो होने वाला है, पहला आपको हम बता दें लोअर सब बारे रिजल्ट के बारे में है। लोअर वाला का जो है रिजल्ट आप बता रहे हैं ना, देखिए लोअर वाले का आज डेट फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। हो सका तो इस महीने के अभी तो क्लियर हम नहीं बता सकते हैं कि होगा क्या, क्योंकि रिजल्ट आप देखिए मीटिंग में रिजल्ट का डेट फिक्स होगा। आज यदि मीटिंग फाइनल हो गया तो आज हो सकता है शाम को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, चाहे आपको कौन सा रिजल्ट होगा, मैं संभावित बता रहा हूँ, यही रोट हो सकता है, और तो कोई रिजल्ट होगा नहीं। और देखिए लोअर सबऑर्डिनेट 2016 वाला मैटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक है सम्मिलित तकनीकी सहायक एवं सहायक अनुदेशक, ठीक है जी, TA का, ठीक है। सम्मिलित तकनीकी TA वाला जो रिजल्ट है 2016 वाला आज हो सकता है इसका भी क्लियर हो जाए, सम्मिलित TA वाला भी रिजल्ट हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, जहाँ से देखने की उम्मीद मिल रहा है। लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते। उसके बाद आज हो सकता है 2016 की जो वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी जो आबकारी सिपाही की है, आबकारी सिपाही जो रिजल्ट है आपका बहुत, मतलब उसमें मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग क्यों नहीं, मीटिंग हो चुकी थी लेकिन उसमें डेट नहीं फाइनल कि रिजल्ट निकाला जाए क्या निकाला जाए, उस पर मीटिंग होने वाली थी। तो जहाँ तक उम्मीद है हमें आज आपके मीटिंग में, जहाँ तक उम्मीद है आज वाली मीटिंग में सब क्लियर हो जाएगा कि देखिए आपका रिजल्ट अगले इस महीने तो आने वाला है नहीं, आप जानते हैं अगले महीने कब आ सकती है, क्या होगा डेट उसका, सब उस पर फाइनल हो सकता है। जहाँ देखिए यही जो सुनने को मिल रहा है कि यही तीन रिजल्ट पे बात हो रही है, एक रिजल्ट और है दोस्तों, उस पर बात चल रही है, कृषि संवर्ग वाली भर्ती है उस पर बात चल रही है। इन्हीं तीन चार रिजल्टों में से एक रिजल्ट हो सकता है, आज मीटिंग हुई तो 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन यही तीन चार रिजल्ट देखने को मिलेगा और कुछ नहीं इसमें नहीं होने वाला है। कोई आंसर की अपलोड हो गया अच्छा, उस पर वो मैटर नहीं है, मेन रिजल्ट का मैटर है, क्योंकि रिजल्ट ये बहुत दिन से फंसे हुए थे, अभी तक निकाले नहीं जा चुके हैं। अब आयोग किस इस पर निर्णय लिया जाए, लेकिन हाँ जो भी होगा अब आयोग में बस रिजल्ट निकलेगा, अब कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो दोपहर की मीटिंग के बाद देखिए कोई अच्छी न्यूज निकल के आई, मीटिंग में डिसीजन हो गया कि रिजल्ट निकालना है क्या निकालना है, तो आज शाम को रिजल्ट देखने को आप मिल सकता है UP TSSC के वेबसाइट पर, ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा आएगा, लेकिन ज़रूर आज नहीं तो आज मीटिंग हुई तो कल पक्का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब 48 घंटे का टाइम मैक्सिमम रहता हूँ, बाउंडेशन आता है अपडेट करने के बाद, जो अपने जो कंपनी कराते हैं उनको हायर करते हैं, उनको भेजते हैं कि भाई आप रिजल्ट जारी कीजिए, रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया जाता है, हो सकता है शाम को कर दिया जाए, नहीं तो कल 100% आपको रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों आज की मीटिंग के दौरान क्लियर होगा, तब मीटिंग में क्या होगा हम 3 बजे के बाद अपडेट करेंगे, लेकिन हो सकता शाम हो या रात होगा मैं आपको अपडेट करूंगा कि मीटिंग में आबकारी वाले लोअर सबऑर्डिनेट और TA के रिजल्ट के बारे में क्या हुआ, कौन सा रिजल्ट आ सकता है, चाचा आबकारी के मैटर जो आबकारी का था आपका उस पर क्या हुआ, क्या वाकई में अगले कैलेंडर में उसको जगह दिया गया कि अभी भी वही चलता रहेगा न्यायिक प्रक्रिया, चाहे कुछ परामर्श वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, क्या होगा आप जल्द से जल्द वीडियो में देखेंगे। और जल्द से जल्द जो भी जानकारी रहेगी हमारी ऑफिशियल रहेगी, कोई फेक जानकारी नहीं रहेगी, एक बार विश्वास किया कीजिए, ठीक है। और देखिए जो भी होगा आपको बताया जाएगा, तब तक के लिए जल्दी से दोस्तों जय हिंद। हमारे चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, तब से चलते हैं।